तो मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि समय समय पर आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल से रिलेटेड सभी वीडियो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। टॉपिक वाइज हम चीजों को पढ़ रहे हैं। आज हमारी क्लास नंबर 13 है दोस्तों, तो क्लास 1 से लेकर के 13 तक सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा हमारे जो दूसरे बैचेस हैं उसकी भी प्लेलिस्ट आप वहां पे देख सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सा सवाल है हमारा पहला। यहाँ पे दिया हुआ है कि 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर 1/2 बराबर 3 की पावर n दोस्तों। तो यहाँ पे हमें बताना है कि n का मान क्या होगा दोस्तों, n का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बड़ा ही सहज और सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबके बेस इक्वल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे 81 है और यहाँ पे 27 है। और हम अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि 3 की पावर 4 क्या होता है, 27 होता है। 3 × 3 × 3 × 3 दोस्तों क्या हुआ, 3 × 3 9 होती है 27। 3 कितने दोस्तों, 81 हुई। ये तो 3 की पावर 4 तो हुआ दोस्तों 81, और 3 की पावर 3 कितना हुआ दोस्तों, 27। 3 की पावर 3 कितना हुआ है दोस्तों, 27 हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं दोस्तों कि 3 की पावर 4 कितना हुआ है, 81 हुआ है, और 3 की पावर 3 कितना हुआ है दोस्तों, 27 हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जहां पे 27 लिखा हुआ है वहां हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 3 लिख देंगे दोस्तों। क्या लिख देंगे, 3 की पावर 3। तो देखिए दोस्तों, 27 को लिखा हमने 3 की पावर 3, और बाहर पावर में कितना है दोस्तों, 2/3। गुणा का चिन्ह है, 81 को क्या लिखें दोस्तों, 3 की पावर 4। क्या लिख लिया हमने, 3 की पावर 4, और ये है कितना है दोस्तों, 1/2। और इस तरीके से बराबर में है 3 की पावर कितना दोस्तों, n। समझ रहे हैं आप इतना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि ब्रैकेट है तो घात की गुणा कर देंगे दोस्तों। अब तक की क्लास में हमने ऐसा समझ लिया है। तो देखिए दोस्तों, 3 और यहाँ पे 3 गुणा दोस्तों 2 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल करिए, गुणा 3 की पावर 4 गुणा कितना दोस्तों, 1/2 बराबर कितना, 3 की पावर n। तो देखिए दोस्तों क्या बचा, 3 की पावर 2 गुणा 2 से इस 4 को काट दीजिए, कितनी बार गया ये, 2 बार। तो दोस्तों कितना हुआ ये, 3 की पावर 2 हुआ, और यह कितना हुआ, 3 की पावर n हो गया। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। अब गौर से देखिए, यहाँ पे बेस क्या है दोस्तों, समान है। और हम जानते हैं कि अगर बेस समान है और बीच में क्या है दोस्तों, गुणा का चिन्ह है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो हाथ को जोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 3 हुआ, अब हमने घात भी जोड़ने की, 2 + 2 तो बराबर कितना हुआ दोस्तों, 3 की पावर n। 3 से 3 कैंसिल हुआ दोस्तों, बताइए n का मान क्या हो गया, 2 और 2 जोड़ के बता दीजिए दोस्तों कितना हो गया, 4। तो इस सवाल का आंसर कितना है दोस्तों, 4 आ गया है। तो देखिए दोस्तों, अगला बेहद ही खूबसूरत सा सवाल है, गौर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ये 3 की पावर x माइनस बराबर कितना है दोस्तों, 81, और ये क्या है दोस्तों, 3 की पावर x प्लस वाई कितना है, 729। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे किस तरीके से, जैसे कि अभी क्या था, इस 81 को दोस्तों हम 3 की पावर 4 लिखेंगे जिससे कि बेस बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों 3 की पावर x माइनस 1 बराबर हुआ 3 की पावर कितना दोस्तों, 4। 3 × 3 9 होती है 27 81। तो बेस नंबर हमने दिया दोस्तों काट, यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई बराबर क्या दोस्तों, 4। हम कह सकते हैं कि दोस्तों यह है क्या है, अंतर है इनका, क्या है दोस्तों, अंतर। x माइनस वाई माइनस किया है तो दोस्तों इसे हम अंतर कह सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों x माइनस वाई, यानी कि इनका अंतर हुआ x वाई का। इधर देखिए दोस्तों, ये क्या है, 3 की पावर x प्लस वाई है, और ये क्या है दोस्तों, 729। आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, आप 3 की कितनी पावर बैठेंगे, तो 3 × 9 = 27 27 + 81 81 = 243 और 243 × 2 कितना, 729। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पावर बैठी दोस्तों, कितनी पावर बैठी है, 6। तो यहाँ पे हमने 729 को दोस्तों कितना लिखा, 3 की पावर 6 लिखा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस वाई बराबर कितना है, 6। जोड़ को दोस्तों हम योग कह देते हैं, तो दोस्तों क्या हुआ, योग, योग कितना हुआ, 6। अब देखिए दोस्तों, आपको अंतर मिल गया है x माइनस वाई, ये योग मिल गया है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें y का मान बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखें, देखिए x में से y घटा के प्लस के 4 है, इसका सामान्य अर्थ ये हुआ कि x बड़ा है और y क्या है दोस्तों, छोटा है।
क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट गई, क्या होगा दोस्तों, प्लस की संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के हमने ये कहा कि वाई क्या है दोस्तों, छोटा है, छोटी संख्या है कह लीजिए, और एक्स क्या है, बड़ी संख्या है। तो दोस्तों अगर हमें छोटी संख्या बताना है और कभी भी हमें ये पता है, तो आप दो चीजें देखिए याद रखेंगे कि अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है इनमें, तो बड़ी संख्या आप कैसे निकाल लेंगे। देखिए उसके लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए कि योग, आप इसे ट्रिक कह सकते हैं दोस्तों, ये बेहतरीन ट्रिक आपके हमेशा काम आएगी इस तरीके के सवाल में, योग प्लस अंतर और बटे कितना दोस्तों, दो। और अगर आप चाहिए छोटी संख्या तो दोस्तों क्या करिएगा, बड़ी संख्या के लिए आपने योग प्लस अंतर किया, छोटी संख्या के लिए दोस्तों योग माइनस अंतर कर दीजिए और क्या करिए, दो से भाग कर दीजिए। यही प्रोसेस करिए बिल्कुल। वाई जो है छोटी संख्या है दोस्तों, कैसी संख्या है, छोटे वाली। और हमने आपको बताया है, क्या बताया है दोस्तों, योग, योग कितना दोस्तों, छह। अंतर, अंतर कितना दोस्तों, चार। बटे कितना, दो। तो बताइए दोस्तों छह में से चार गए तो कितना बचा, दो बचे दोस्तों, और दो से दो को भाग करा तो कितना बचा दोस्तों, एक बचा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे वाई का मान निकाल लिया है दोस्तों, एक। समझे लोगों किस तरीके से हल कर सकता था दोस्तों बिना इस फॉर्मूले। तो आप अगर ऐसा करना चाहें कि जैसे x प्लस वाई एक समीकरण है, वो छह है, वो छह लिखा आपने, x माइनस वाई आपने चार लिखा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर मुझे y का मान चाहिए तो मैंने घटा दूंगा, माइनस प्लस और ये दोस्तों कितना माइनस, और देखिए क्या होगा। अब x x काट लीजिए, y और y कितने हुए दोस्तों, दो y, और छह में से चार जाके कितने बचे दोस्तों, दो। इस तरीके से दोस्तों y का मान कितना आ जाए, दो बटे दो, और दो से दो कट के कितना है दोस्तों, एक। तो y का मान कितना है दोस्तों, एक आ गया। उम्मीद है आपको ये वाला मेथड भी समझ में आया ही है, ये जैसे हमने समीकरण सोल्व कर दी, और जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि x माइनस वाई चार अंतर हुआ, x प्लस वाई छह यानी कि योग हुआ, और बड़ी संख्या के लिए आप योग प्लस अंतर बटे दो करें कभी भी, और छोटी संख्या के लिए किसी भी सवाल में आप योग माइनस अंतर बटे दो करें। हमने यही किया दोस्तों, योग छह में से चार घटा के दो आया, दो को दो से भाग करके एक आ गया दोस्तों आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्या है अगला सवाल, दो की पावर दो एक्स प्लस चार बराबर सोलह की पावर एक्स, अगर है तो एक्स की तीन का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे, यहां पे बेस क्या है, दो है, यहां पे बेस क्या है दोस्तों, सोलह है, बराबर कर देंगे दोस्तों। बताइए क्या होता है, सोलह को लिखेंगे दोस्तों दो की पावर चार, क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि दो गुणा दो गुणा दो चार बार गुणा करने से क्या आता है दोस्तों, सोलह आ जाता है, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह हुए ना, तो सोलह को लिखा हमने क्या, दो की पावर चार लिख देते हैं दोस्तों, इधर कुछ नहीं कर रहे, दो की पावर दो एक्स प्लस चार ही रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इधर क्या करेंगे, सोलह को लिख देंगे दो की पावर चार, और बाहर कितना है दोस्तों, उसकी पावर है एक्स। अब बताइए दोस्तों इनकी हो जाएगी ना गुणा, तो दोस्तों कर दीजिए गुणा, तो क्या हुआ, दो की पावर दो एक्स प्लस चार बराबर दो की पावर कितना दोस्तों, चार एक्स, और हमें पता है कि यहां से कट जाएगा बेस। अब क्या होगा दोस्तों, दो एक्स प्लस चार जो पावर है वो बराबर होगी किसके, चार एक्स के, ये दो एक्स भी इधर ले जाइए और घटा दीजिए दोस्तों, तो यहां बचेगा चार और यहां होगा चार एक्स में से दो एक्स घटे तो कितना दोस्तों, दो एक्स, चार एक्स में से दो एक्स गई तो कितना बचा दोस्तों, दो एक्स, और बराबर कितना, चार। तो एक्स का मान बता दीजिए आप जरा, तो चार भाग दो, दो दूनी चार, एक्स बराबर कितना दोस्तों, दो। अंश इसका बताना था इसकी तीन का, तो एक्स का मान कितना आया दोस्तों, दो आया है, ठीक है ना दोस्तों, एक्स का मान नहीं, एक्स की तीन का मान बताना था, तो यहाँ पे इसे पूरा कर देते हैं। तो एक्स का मान कितना है दोस्तों, दो, और उसकी पावर तीन, और हम अच्छे से जानते हैं कि होगा आठ, क्योंकि दो गुणा दो गुणा दो तीन बार गुणा, दो दून चार दूनी आठ हुआ दोस्तों आंसर। तो देखिए दोस्तों अगला बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों ये दिया हुआ कि तीन की पावर दो एक्स माइनस वाई बराबर तीन की पावर एक्स प्लस वाई बराबर अंडर रूट के सत्ताईस, तो वाई का मान क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन हम समझ सकते हैं कि ये तीनों ही मान बराबर हैं, तो दोस्तों ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर, और इनको पहले ऐसे लिख लेते हैं दोस्तों। तो तीन की पावर कितना दोस्तों, दो एक्स माइनस वाई, तो बराबर कितना लिख दूं मैं, अंडर रूट सत्ताईस, और ऐसे ही दोस्तों तीन की पावर एक्स प्लस वाई के भी बराबर क्या लिख दें हम, अंडर रूट सत्ताईस। तो देखिए दोस्तों अब हमने पहले ही सबसे पहले ये काम किया कि हमें पता है कि ये तीनों ही बराबर हैं, तो इसको भी इसके बराबर लिखा, इसको भी इसके बराबर लिखा, ठीक है दोस्तों।
यहाँ तक आपको इस बात समझ में आ रही है? देखिए हमें क्या करना है, हमें जानते हैं कि हम बार बार बेस बराबर करके काट देते हैं, पावर इक्वल रख देते हैं, यही कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इधर जो है तीन बेस बनाना है, और हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि तीन की पावर तीन क्या होता है, 27। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट 27, इसको अगर मैं तीन लिख दूं दोस्तों और बाहर लगा हुआ है रूट, तो रूट का मतलब आपको मैंने बताया है दोस्तों कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर एक बटे दो, अगर यहाँ एक है तो एक के बटे दो, और यहाँ पे क्या है दोस्तों तीन है, तो तीन है तो तीन के बटे दो। तो दोस्तों बेसिकली मैंने 27 को कैसे लिखा, अंडर रूट 27 को तीन की पावर तीन, और रूट की वजह से तीन के बटे में क्या आ गया दोस्तों दो, तो कुल मिला के अंडर रूट 27 लिखा गया तीन की पावर तीन बटे दो। यहाँ पे दोनों ही स्थान पे ये रख दीजिए। तो देखिए दोस्तों तीन की पावर कितना, 2x - y, और ये कितना दोस्तों तीन की पावर तीन बटे दो। यहाँ पे देखिए तीन की पावर कितना, x + y, यहाँ पे कितना तीन की पावर तीन बटे दो। अब बताइए दोस्तों ये गया ना, यहाँ क्या आया 2x - y बराबर क्या बचा दोस्तों तीन बटे दो, यहाँ पे क्या आया दोस्तों x + y बराबर क्या हुआ दोस्तों तीन बटे दो। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को समीकरणों को दोस्तों हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए, आप अच्छे से समझते हैं, गौर करिएगा दोस्तों क्या हुआ, हमने x + y को यहाँ पे नीचे लिख दिया और ये भी बराबर किसके है तीन बटे दो के। अब बताइए y से y कट गया ना, 2x और 1x मिल के कितने हुए दोस्तों 3x। अब बात है कि ये जुड़ के कितना है दोस्तों, थोड़ा सा सहज तरीके से हल कर लेते हैं साइड में दोस्तों कि 3/2 को 3/2 से जोड़े तो कितना है, तो हर समान है दोस्तों 2 हुआ, 3 और 3 कितने हुए 6 हुए, 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों 3 आया, तो कुल मिला के दोस्तों ये भी 3 हुआ। तो x का मान कितना, 3/3, 3 × 3, तो x बराबर कितना दोस्तों 1। तो इस तरीके से दोस्तों x का मान कितना आ गया 1, लेकिन हमें बताना है y का मान दोस्तों, तो यह मान हम यहाँ रख देते हैं। x का मान 1 रखने पर यहाँ पे तो 1 + y बराबर कितना दोस्तों 3/2, अब ये 1 इधर देखिए हम घटा, तो y बराबर कितना हुआ दोस्तों 3/2 - 1, बटे में क्या लिया दोस्तों 1 ले लिया, इससे क्या होगा एलसीएम लेंगे, कैसे 2 × 2, 1 × 3 में तो 3 और 2 × 1 में तो दोस्तों 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना दोस्तों 1/2, कुल मिला के दोस्तों y का मान कितना आया 1/2। उम्मीद है आपको बात समझ में आई है, और अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके जरूर देख ले दोस्तों इस सवाल। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 5 की पावर x + 3 बराबर है 25 की पावर 3x - 4 के, तो x का मान बताइए क्या होगा दोस्तों। तो देखिए हम करेंगे क्या, यह है क्या 25, और 25 को हम अच्छे से जानते हैं कि बेस बराबर करने के लिए 5 ही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 25 को लिख देंगे दोस्तों 5 की पावर 2, इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए जरा क्या है ये, 5 की पावर कितना x + 3, और 25 कितना दोस्तों 5 की पावर 2, और उसके बाहर है पावर कितनी 3x - 4, ये हमने लिख दिया है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 5 की पावर x + 3 लिखा है, 25 को 5 की 2 लिखा है, बाहर है पावर 3x - 4, और हम जानते हैं दोस्तों कि इस तरीके से अगर पावर की पावर ब्रैकेट के बाहर है इस तरीके से तो उनकी हो जाएगी गुणा, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे दोस्तों कि इस 2 की गुणा हम इसमें कर देंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों अब ऐसा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, तो 5 की पावर x + 3 जो का तो इधर का इधर, और यहाँ पे हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हम ब्रैकेट में गुणा करेंगे दोस्तों तो 2 की गुणा 3 में भी होगी, तो 2 × 3 = 6x और 2 × 4 = 8, तो जानते हैं ना दोस्तों कि अगर 2 बाहर है और ब्रैकेट में अंदर गुणा कर रहे हैं तो दोनों में ही गुणा होती है, 2 × 3 = 6x और 2 × 4 = 8, तो हुआ ना दोस्तों 6x - 8। और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है कि 5 से गया 5 और बचा इधर कितना x + 3 और बराबर है कितना 6x - 8। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, x को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है x और यहाँ पे है 6x, ले आइए इसको इधर, बदल जाएगा इसका चिन्ह, तो x में से गए -6x और इधर क्या है दोस्तों -8 और ये गया प्लस का इधर 3, इसका भी बदल गया चिन्ह, ठीक है ना दोस्तों। तो x और ये आया तो -6x, ये गया तो -3, तो दोस्तों बताइए कि x -6x क्या होगा -5x और -8 -3 होंगे -11, और दोस्तों हम जानते हैं ये माइनस से माइनस गया, तो इस तरीके से x का मान हुआ 11 और गया गुणा का
भाग में 5, तो इस तरीके से x का मान 11/5। तो देखिए दोस्तों अगला बेहद ही खूबसूरत सा सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 कि a की पावर 4 बराबर अगर है 81 तो क्या होगा a का मान। तो जैसे कि हम जानते हैं हम 81 को क्या दोस्तों किसकी पावर 4 लिख सकते हैं, तो अच्छे से जानते हैं दोस्तों ये 3 की पावर 4 है, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, तो हुए ना दोस्तों 81 है, तो किसकी पावर है 4, 3 की पावर 4। और ऐसा हमने क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि a की पावर 4 है, अगर यहाँ पे पावर 4 है तो दोस्तों हमने भी यहाँ पे पढ़ना ही पावर कितनी 4, या तो दोस्तों हम बेस बराबर करेंगे, अगर हम बेस नहीं बराबर कर रहे तो पावर बराबर कर देंगे। इस सवाल में हमने बेस नहीं पावर बराबर की है, यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे भी हमने पावर क्या ही ली है 4 ली है दोस्तों, तो a की पावर 4 और ये 3 की पावर 4, और a से माफ कीजिएगा दोबारा देखते हैं, देखिए a की पावर कितना दोस्तों 4 और 3 की पावर दोस्तों कितना 4, तो यहाँ पे हमने पावर बराबर की और पावर से पावर हटा दी, तो दोस्तों इस बार पावर समान थी हमने पावर हटाई, तो a बराबर कितना हुआ 3, यही इसका जवाब है दोस्तों, आंसर a बराबर 3। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल बेहद आसान बेहद खूबसूरत, देखिए दोस्तों 60 की पावर 3 × 6, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम केवल 6 की 3 कर देंगे, तो 6 की पावर 3 कितना दोस्तों 6 × 6 × 6, तो 6×6 = 216 दोस्तों, कितने 216, तो दोस्तों 6 की 3 तो हुआ 216, लेकिन हमें तो 60 की 3 करना था, हमने 0 को तो छोड़ ही दिया था, तो 0 की क्या कर रहे हैं दोस्तों 1 0 है, तो 3 गुणा कर ले तो कितना हुआ 3 0 हुई, 2 होते तो दोस्तों 6, 4 होती तो दोस्तों 4 3 12, तो 1 है तो दोस्तों 3 हुई है ना, समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि घन है दोस्तों, तो कितनी 0 हुई 3 हुई, समझ रहे हैं बात आप, क्योंकि अगर हम 60 को खोल के भी लिखते दोस्तों, देखिए 60 × 60 × 60 ही तो लिखते हैं, तो देखिए हमने 6 6 6 की तो गुणा कर ली 216, और कितनी 0 दोस्तों 3 0, तो समझ रहे हैं आप बेहतर तरीके से, तो देखिए दोस्तों गुणा कितनी है 6, अब कर दीजिए गुणा, ये 3 0 क्या होगी लगी रहेंगी पीछे, तो इन्हें लिखा रहने दीजिए दोस्तों, तो 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 3 = 9, और 6 × 2 = 12 हुए दोस्तों, तो 12 × 6 = 000, यही इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा अगला सवाल, देखिए कितना प्यारा सा सवाल, 9x − 81 = 0, तो x का मान क्या होगा, तो देखिए दोस्तों कितनी सरलता से हल करेंगे हम इसको, हम सब जानते हैं कि ये 9x को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये जो माइनस का 81 है ये इधर जाएगा दोस्तों, तो किस में जुड़ेगा, ये 0 में जुड़ेगा, और हमें पता है कि दोस्तों कि ये इधर 0 में जुड़ेगा, तो 0 और 81 तो जुड़ गए 81 ही होंगे, तो दोस्तों माइनस के 81 इधर गए तो क्या हो गए प्लस के 81, 0 ही तो थी दोस्तों, तो 0 और 81 तो 81 ही होंगे, अब ये नंबर जो है यहाँ पे गुणा में है 9, और ये गुणा वाला नंबर जाएगा भाग में, तो दोस्तों 81 / 9 और ये हुए 9 × 81, तो दोस्तों कितना है 9, एक्स का मान कितना 9, दैट इज आवर आंसर। तो देखिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है, ये 2 की पावर x = 32 की करणी पे कितना लिखा हुआ है दोस्तों 3, तो क्या हम इसका मतलब समझते हैं दोस्तों, ऐसे किसी भी सवाल में जिसमें हमें घात पता करनी होती है हम बेस बराबर करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इसको ध्यान दें तो ये 32 है, और 32 को हम 2 की पावर कितनी लिखेंगे दोस्तों 5 लिखेंगे, देखिए दोस्तों कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, आप इसे तोड़ के देख सकते हैं, 2 से काटिए 16, 2 से काटिए कितना दोस्तों 8, 2 से काटिए तो कितना 4, 2 से भाग देंगे तो कितना 2, और 2 से 2 को भाग देंगे तो कितना दोस्तों 1, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5, तो हुआ ना ये 2 की पावर 5, तो दोस्तों 32 तो हो जाएगा 2 की पावर 5, तो कोई डाउट नहीं है बिल्कुल नहीं है, और जैसे कि हमने करणी के बारे में पढ़ा है कि अगर करणी ऐसी है दोस्तों तो क्या होता है 1/2, लेकिन अगर करणी पे नंबर है दोस्तों तो वो क्या होगा 1/3, क्या मतलब है दोस्तों कि अगर यहाँ पे हो 1 की पावर 4 और यहाँ पे 3 हो तब क्या होगा दोस्तों कि 4/3, समझ रहे हैं आप बात को, तो ऐसा ही होना है दोस्तों, तो 2 की पावर कितना x, 32 को लिखा हमने 2 की पावर कितना 5, और करणी पे कितना है दोस्तों 3, अब बताइए दोस्तों क्या होगा, तो 2 की पावर x और ये 2 की पावर 5 और ये जो 3 है वो आ गया 1/2, तो दोस्तों 2 की x और 2 की पावर 5/3, 2 से 2 को काट दीजिए दोस्तों x बराबर कितना होगा 5/3, यही आंसर हुआ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, 3x + 10 की पावर कितनी है, बराबर में कितना है दोस्तों 5 की पावर 2,
और आप अच्छे से समझते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। 3x+10 जो का तो रहेगा भी, और 5 की पावर 2 कितना कर देंगे दोस्तों, 25 कर देंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ये 5 की पावर 2 को सॉल्व किया, तो 3x+10 है, यहाँ पे क्या होगा 25। अब ये 10 इधर गया और क्या हो गया दोस्तों माइनस, तो बताइए 3x बराबर कितना दोस्तों, 25 माइनस 10, तो 3x बराबर कितना होगा दोस्तों 15 है। कितना हुआ दोस्तों 15 हुआ, 3x बराबर 15, और हम जानते हैं गुणा में तो जाएगा कहां भाग में, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों 15/3, 3 × 15 x बराबर कितना हुआ दोस्तों 5। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर है दोस्तों 5। पसंद आ रही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, बस आया।